तो चलिए दोस्तों, लेके आओ सबके लिए एक और जबरदस्त वीडियो। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अरोमा के TWS का अनबॉक्सिंग, देंगे आपको मेरे फर्स्ट इंप्रेशन और जानेंगे जो TWS है कैसे है अपने प्राइसिंग के हिसाब से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है अरोमा TWS का बॉक्स, और दोस्तों इसको जो है मैंने फ्लिपकार्ट के ऊपर से ऑर्डर किया था और ये जो है आज ही डिलीवर हुआ है। तो चलिए आप देखते हैं हमें बॉक्स कैसा देखने के लिए मिलता है। तो फ्लिपकार्ट के बॉक्स के अंदर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है ये अरोमा का TWS ईयरफोन्स, और उसके बाद ये है इसका बिल। और दोस्तों मैं इसके प्राइसिंग के बारे में आपको बता दूँ, इसका जो प्राइसिंग है वो है 899, यानी कि अप्रॉक्स 900 रुपीज़, और इसको जो है मैंने 900 रुपीज़ के ऊपर से फ्लिपकार्ट के ऊपर से परचेज़ किया है। तो चलिए अब वीडियो में अनबॉक्सिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है अरोमा के TWS ईयरफोन्स का बॉक्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे जो कुछ कुछ की हाइलाइट्स है वो यहाँ पे जो है मेंशन किए हुए हैं। तो ये जो है मैं आपको अच्छी तरीके से फोकस करके दिखा देता हूँ उनके की हाइलाइट्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको 100 आवर्स का स्टैंड बाई का बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे 18 आवर्स का आपको प्लेबैक टाइम देखने के लिए मिलेगा, और इसका जो चार्जिंग है वो आपको फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलेगा जो कि केवल 1 आवर का। साथ ही आपको यहाँ पे जो है 3.5 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम देखने के लिए मिलने वाला है कॉल के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ब्लूटूथ चिपसेट लिखा हुआ है, लेटेंसी जो आपको जो है इसमें 65 मिलीसेकंड की देखने के लिए मिल जाएगी, और ट्रांसमिशन रेंज जो है 15 मीटर का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको 13 NM के ड्राइवर्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कि आपको साउंड का जो आउटपुट है बहुत अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। इसमें जो टॉक टाइम है आपको जो है 4 आवर्स तक का देखने के लिए मिल जाता है, और प्ले टाइम विद केस आप देख सकते हैं अप टू 18 आवर्स, और ईयरबड का जो चार्जिंग टाइम है वो आप देख सकते हैं 1 आवर। तो ये सारे कुछ इसके जो की हाइलाइट्स है वो जो है मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद बॉक्स के पीछे भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि ये जो है एक गेमिंग TWS है, यहाँ पे पबजी या फिर जो BGMI का लोगो है वो यहाँ पे आपको बना हुआ देखने के लिए मिल जाएगा, और नीचे इसका जो मॉडल नंबर है वो भी लिखा हुआ है जो कि है राइफल NB136। साइड में भी आपको यहाँ पे TWS लिखा हुआ है गेमिंग ईयरबड्स। उसके बाद पीछे आपको जो है इसके कुछ हाइलाइट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इसका जो MRP है वो है 2499, बट दोस्तों इसको जो है मैंने फ्लिपकार्ट के ऊपर से परचेस किया है 900 रुपीज़ में। तो चलिए दोस्तों अब जो है बॉक्स को ओपन करके देख लेते हैं। तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है इसका एक FAQ का कार्ड, जो कि आप देख सकते हैं लेट मी हेल्प यू यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसमें आप इसका प्रॉब्लम देख सकते हैं, इशू ईयरबड्स, इशू ईयरबड्स कंट्रोल इशू, ये सारे कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। पीछे जो आपको ये सारे कुछ जो है हिंदी में भी लिखा हुआ है, और फ्रंट में ये जो है पूरी तरीके से अच्छे से इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है वेलकम टू आवर फैमिली का एक कार्ड। उसके बाद ये जो है ये भी हमारे पास एक देखने को मिल जाता है वेलकम टू आवर फैमिली का कार्ड। उसके बाद मेरे हिसाब से ये जो है ये है इसका यूज़र मैनुअल, इसमें आपको जो इसका पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाता है। ये जो है बहुत बड़ा पेपर है आप देख सकते हैं। तो इन सब का चल कौन देखते हैं, इन सबको भी रखते हैं साइड में। तो ये है हमारा मेन अरोमा का TWS, इसको रखते हैं साइड में। और बॉक्स में हमें यहाँ पे और क्या देखने को मिल जाता है, यहाँ पे एक्सेसरी लिखा हुआ है आप देख सकते हैं एक्सेसरीज बॉक्स। तो यहाँ देख लेते हैं हमें क्या एक्सेसरीज देखने के लिए मिल जाते हैं। तो हमें जो है यहाँ पे दोस्तों, हमें यहाँ पे जो है दो एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और साथ ही हमें यहाँ पे जो है एक टाइप सी का केबल देखने के लिए मिल जाता है। और टाइप सी का केबल देख के हमें ये पता चलता है कि ये जो TWS है ये जो है फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। तो इनका वो रख देते हैं इसी के अंदर टाइप सी के चार्जिंग को, अगर इन सबको रख देते हैं साइड में। देखते हैं मेन हमारे अरोमा के TWS की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये है मेन हमारा अरोमा का TWS। दोस्तों ये जो है मुझे थोड़ा सा पुराना देखने के लिए लग रहा है, आप देख सकते हैं इसका जो अरोमा का लोगो है वो भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर रब हुआ देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो केस ओपन करते ही हमें जो है इसका जो TWS है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे जो है लेफ्ट और राइट जो है मेंशन किया हुआ है, मैं इसको केस से रिमूव करता हूँ। तो केस से रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है रेड और ब्लू कलर का लाइट ब्लिंक हो रहा है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको गेमिंग के लिए लाइट देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि ये जो है एक गेमिंग TWS है। तो ये है इसका मेन बॉक्स, और इसके बाद साइड में यहाँ पे जो है आपको टाइप सी के लिए चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी वजह से आप जो इसको चार्ज कर सकते हैं। और बात करें अगर इसके बिल्ड की, तो इसका बिल्ड जो है मुझे ठीक ही लगा है, एवरेज में बोल सकता हूँ। हालांकि इसको प्राइसिंग, इसके प्राइसिंग को देखते हुए इसका जो बिल्ड है मैं अच्छा बोल सकता हूँ, क्योंकि बाकी सारे जो कंपनी है आपको ये वाला जो पोर्शन है वो ट्रांसपेरेंट प्रोवाइड करती है, बट ये जो है यहाँ पे आपको अच्छा हार्ड प्लास्टिक देखने के लिए मिल जाता है। तो बिल्ड के मामले में मैं जो है इसको थम्सअप देना चाहूंगा। बाकी लुक वाइज भी ये जो TWS है बहुत अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। मेन जो इसका जो लाइट है साइड साइड में जो ब्लू लाइट है वो जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा किसी को भी। इसका जो लाइटिंग है आपको बस यहाँ यहाँ पे एक रेड और ब्लू कलर का लाइट देखने के लिए मिल जाता है। जब ये चार्ज होगा तो ये जो है ये रेड कलर में ब्लिंक होगा, और जब आप इसको यूज करेंगे तो ये जो है रेड और ब्लू कलर में ब्लिंक होंगे। तो चलिए आप जो दोस्तों इसको वेयर करके देख लेते हैं इसका कम्फर्ट कैसा है।
तो आप देख सकते हैं ये है इसका अरोमा का TWS बॉक्स, जैसे कि मैंने आपको अनबॉक्सिंग वीडियो में भी दिखा दिया है। उसके बाद अगर बात करें इन दोनों TWS की, तो ये जो है बहुत अच्छी तरीके से फिट हो जाता है। इसका जो लाइटिंग है वो भी मुझे पर्सनली पसंद आया है। तो अब मैं जो आपको इसको जो वेयर करके दिखा देता हूँ, तो आप जैसे कि देख सकते हैं अभी मैं जो इसको वेयर कर रहा हूँ, तो ये जो है बहुत स्नगली जो है आपके कानों में फिट हो जाएंगे, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने जिसको वेयर कर लिया है और ये मेरे कानों में कैसा देखने लग रहा है, ये आप मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइएगा ज़रूर। तो इस तरीके से आप इसको वेयर कर सकते हैं, ये बहुत ही लाइट वेट है और ये जो है कंफर्टेबल है। मेरे पास दोस्तों इससे पहले एन्यू रिपब्लिक मून वॉक के TWS भी थे मेरे पास, लेकिन उन सब में मुझे ऐसा कम्फर्ट नहीं देखने के लिए मिला। ये जो TWS है ये बहुत कम्फर्टेबल मुझे देखने के लिए लग रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो TWS है ये जो है ये गेमिंग TWS है। सो अगर आप जो इसको ट्रिपल टैप करिएगा तो इसका जो गेमिंग मोड है वो जो है स्टार्ट हो जाए, जिसमें कि आपको लेटेंसी जो है वो थोड़ा कम देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप इसको फिर से ट्रिपल टैप करिएगा तो इसका जो नॉर्मल मोड है वो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो बैटरी बैकअप है वो भी अभी तक मुझे ठीक ठाक देखने के लिए मिला है, बट अभी तक मैंने इसको बस आधे घंटे तक यूज़ किया, इसलिए बैटरी के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता मैं। तो ये जो TWS है इनको जो है मैंने अपने फ़ोन के साथ पेयर कर लिया है, और उसके बाद मैं जो हूँ अभी आपको उसको फिर से दिखा देता हूँ। इनको केस से आप जैसे ही बाहर निकालेंगे, ये जो है आप जो लास्ट डिवाइस के साथ पेयर किए रहेंगे वो जो है उसके साथ पेयर हो जाएगा। जैसे मैं आपको फ़ोन अनलॉक करते ही दिखाता हूँ, ये जो है यहाँ पर कनेक्ट हो गया होगा, आप देख सकते हैं ये जो है अभी आप देख सकते हैं इसका लोगो, ये जो है कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद मैं जो हूँ इसका जो इसमें आपको जो मैं बता दूँ, इसमें आपको टच कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे जो इसका टच कंट्रोल है, जैसे आप इसमें प्रेस करिएगा आप जो है इसको पॉज और प्ले कर सकते हैं, और साथ ही अगर आप इसको डबल टैप करिएगा तो आप जो है ट्रैक को नेक्स्ट या फिर जो है बैक भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप इसको ट्रिपल टैप करिएगा तो इसका जो है गेमिंग मोड एक्टिव हो जाएगा, और फिर से अगर ट्रिपल टैप करिएगा तो इसका जो है म्यूजिक मोड वो जो है एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो है एक NCS सॉन्ग को प्ले कर दिया है, जैसे ही मैं जो इसका यहाँ पे प्रेस करूँगा ये जो सॉन्ग है ये जो है पॉज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आप जैसे ही इसको पॉज करिएगा, उसके बाद ये जो वो जो है वो पॉज हो गया। आप जैसे ही इसको प्रेस करिएगा ये जो है फिर से प्ले हो जाएगा, और जैसे आप इसको डबल टैप करिएगा तो ये जो है ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने इसको डबल टैप किया तो ये जो है गाना बैक हो गया, और अगर आप इसको डबल टैप करिएगा तो ये जो है फॉरवर्ड भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो टच कंट्रोल है वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसके टच कंट्रोल से मुझे यहाँ पे कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ा। तो इसका टच कंट्रोल बहुत ही अच्छा है, मैं बोल सकता हूँ इसके प्राइसिंग के हिसाब से, और ऑल इन ऑल इसका जो साउंड क्वालिटी है वो भी जो है मुझे बहुत अच्छा लगा है इसके प्राइसिंग को देखते हुए। हालांकि अगर आपको बेस चाहिए तो दोस्तों ये जो TWS है आपके लिए नहीं बने हैं, आपको इसमें उतना अच्छा बेस नहीं देखने को मिलेगा। जो ट्रेबल्स है वो जो आपको थोड़े हाई देखने के लिए मिलेंगे, तो कुछ इस तरीके का साउंड जो है आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा जरूर। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, देखने धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।